हाय गाइस, तो फाइनली आ गया हमारे पास मोटो का मोटो रेजर 50 अल्ट्रा। और गाइस ये फ्लिप फ़ोन होने वाला है जो कि आपको 95,000 रुपये के प्राइस में मिलता है। और गाइस इसके अंदर ना आपको एयरबड्स भी देखने में जाते हैं। तो आज करने वाला हम इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं कैसे डिवाइस, कैसी क्वालिटी। तो रेजर 50 अल्ट्रा की ब्रांडिंग मिल जाएगी और इंक्लूडिंग मोटो बड्स इसके साथ आपको देखने जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आते हैं। बॉक्स पर गाइस जो मेंशन है ना प्राइस 1,19,000 रुपये समथिंग है, लेकिन ये आपको 95,000 के लगभग मिल जाएगा हमारी शॉप पर, तो आप विज़िट कर सकते हो। उसके साथ ही हमारे पास जो वेरिएंट है यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, ब्लैक कलर के अंदर है, 512 GB रोम वाला वेरिएंट। तो चलिए मैं जल्दी से इसकी सील को कट कर लेता हूँ और चेकआउट कर लेते हैं हमारा डिवाइस कैसा है और क्या क्या कंपनी ने इसके अंदर फीचर्स दिए हैं। सारी डिटेल्स मैं बताता हूँ, तो इसको जल्दी से हटा लेते हैं सील को और उसको कट करके खोलते हैं अपने बॉक्स को। उससे पहले गाइस मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है हमारा एक बग्गा कम्युनिकेशन के नाम से शोरूम है पालम के अंदर, जहां पर हम न्यू फ़ोन्स में डील करते हैं। तो आप हमारे स्टोर पर आ सकते हो, हम आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में फ़ोन्स अवेलेबल करवा देंगे। हमारे भैया का नंबर मेंशन है, आप कॉल कर सकते हो। तो चलिए इसको कर लेते हैं अनबॉक्स और कुछ तरीके से आपको पैकेजिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा छोटा सा पैकेट देखने के लिए मिलता है। तो चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि इसके अंदर क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, इसके अंदर बैक कवर वगैरह लगा हुआ है, तो कुछ तरीके से चेकआउट कर लीजिए यहाँ पर पेपर वर्क के अंदर। और उसके साथ ही इसके साथ यहाँ पर कुछ पेपर वर्क दिया हुआ है, सिम इंजेक्शन पिन वगैरह सब इसी के अंदर रखे हुए हैं। तो इसको वापस लगा देते हैं और ये हमारा डिवाइस, तो इसको निकालते हैं बाहर बॉक्स से और कुछ तरीके से आपको देखने में जाता है जो कि काफ़ी लाइट है अभी। तो चलिए पूरी डिटेल में दिखाऊँगा पहले बॉक्स में और देखते हैं क्या क्या कंटेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर इसको हटाते हैं और इसके साथ ही गाइस आपको इसके अंदर चार्जर भी देखने के लिए मिल रहा है। और ये चार्जर होने वाला है 68 वॉट का, जो कि काफ़ी बढ़िया चार्जर है गाइस। और हमारे फ़ोन के अंदर मिलती है 4000 mAh की बैटरी, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं मोटो बड्स। चलिए इनकी क्वालिटी भी चेकआउट कर लेते हैं किस तरीके के हैं ये। तो इनको निकालते हैं बॉक्स से बाहर और गाइस कुछ तरीके से आपको इनका डिज़ाइन देखने मिल जाता है। तो साउंड बाय बॉस से तो गाइस साउंड की क्वालिटी तो काफ़ी बढ़िया होने वाली है इसकी, क्योंकि बॉस का साउंड इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है। और कुछ तरीके से LED लाइट्स नीचे की तरफ मिल जाएगी और कुछ इस तरीके से एयरबड्स की डिज़ाइन आपको देखने मिल जाते हैं। मैं आपको चेकआउट कराता हूँ निकाल कर। और इन ईयर वाले हैं ये, जो कि आपके कानों में ईजिली फिक्स हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे साउंड वगैरह देंगे। तो इसका रिव्यू मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो चलिए और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है, मैं इनको वापस रख देता हूँ। तो यहाँ पर एक और पैकेट है छोटा सा, इसको भी निकाल लेते हैं बाहर और इसके अंदर चेकआउट करते हैं। तो चलिए इसमें भी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको चार्जिंग केबल देखने मिलती है Type A to Type C वाली, जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलते हैं। और गाइस ये सारे कंटेंट आपको इस बॉक्स के साथ देखने में जाते हैं इस फ़ोन में। तो इनको वापस लगा देते हैं और आते हैं अपने डिवाइस की तरफ, देखते हैं कैसा है हमारा डिवाइस, किस तरीके की लुक है, कैसा है फील। तो इस रैपिंग कवर से इसको भी निकाल लेते हैं एक बार, काफ़ी अच्छे तरीके से पैकेजिंग की हुई है इसकी। तो इसको निकाल लिया हमने और यहाँ पर इसकी आपको फर्स्ट लुक देखने में जाती है। और गाइस रियली में काफ़ी लाइट वेट लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम बैक कवर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको लेदर टाइप की फिनिशिंग दिया है, ऊपर की तरफ आपको 4 इंच की डिस्प्ले दिख जाती है, जिसमें आप सारे वर्क कर सकते हो गाइस, गेम वगैरह सब खेल सकते हो, वीडियो वगैरह सब आप इसमें प्ले कर सकते हो विदाउट फ़ोन को अनफोल्ड करें। तो यहाँ पर फोल्ड अनफोल्ड करते इसको 6.9 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। तो चलिए छोटा सा रिव्यू दिखा देता हूँ, सारी डिटेल्स आपको बताता हूँ। पहले इसको कर लेते हैं ऑन और इसको कर लेता हूँ मैं सेटअप। तो फ़ोन हमारा पूरा सेटअप हो गया। तो गाइस कुछ तरीके से आपको इसका लुक देखने मिलता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है गाइस, इसके अंदर 6.9 इंच की आपको इसके अंदर डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि आपको LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जिसकी ब्राइटनेस लेवल काफ़ी बढ़िया है गाइस। यहाँ पर आप चेकआउट करते हो 2400 nits की ब्राइटनेस, पीक ब्राइटनेस के साथ ही आती है। और इसी के साथ गाइस मैं दिखाऊँ, यहाँ बीच में ना क्रीज से बन जाती है दूसरे फ़ोनों में, तो यहाँ पर आपको कुछ भी विजिबल नहीं होगी। आप चेकआउट कर लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट एक ही जैसी डिस्प्ले दिखती है, ऐसा नहीं है जैसे बीच में से कर्व हो रही होगी, बिल्कुल भी आपको क्रीज देखने के लिए नहीं मिलते। यहाँ पर बेजल्स वगैरह आप चेकआउट कर लीजिए। इसके साथ गाइस इसके अंदर ना आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने में मिलता है नोच डिस्प्ले के अंदर। और यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग भी काफ़ी बढ़िया देखने मिलती है, इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन 8S जनरेशन 3 वाला प्रोसेसर, जो कि काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर करा देता है। और 165 Hz की इसमें डिस्प्ले देखने में जाती है, जो कि रिफ्रेश रेट काफ़ी बढ़िया है, जिससे आपको मल्टीटास्किंग गेमिंग वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा हैवी गेमिंग के लिए नहीं है फोन गाइस, नॉर्मल आप गेमिंग कर सकते हो। साइड एंगल्स कुछ तरीके से चेकआउट कर लीजिए, यहाँ पर आपको सिम ट्रे देखने मिल जाती है। ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर ज़्यादा फंक्शंस आपको देखने में नहीं मिलते। राइट साइड वॉल्यूम कंट्रोल्स पावर बटन है और पावर बटन पर ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने में जाता है। फोल्ड करने के बाद कुछ तरीके से आपको फोन का लुक देखने में जाता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। नीचे आपको सारी पोर्ट है, बस 3.5 mm का हेडफोन जैक आपको
देख लेके नहीं मिलता। उसके बाद बैक कैमरा भी कुछ तरीके से देख चेकआउट कर लिए। यहाँ पर ऊपर की तरफ डिस्प्ले मिलती है 4 इंच की, जो कि आपको काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले मिल रही है। ये भी एमोलेड डिस्प्ले गाइस, जो कि काफ़ी शार्प और 2400 पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ ये भी आती है। और सबसे अच्छी बात है गाइस, इस फ़ोन को ना आप अनफोल्ड करे बिना भी यूज़ कर सकते हो, सारे फंक्शन सारी एप्लीकेशन आप इसमें चला सकते हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी लगी, अच्छी लगी, क्योंकि दूसरे फ़ोनों में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आपको पता ही है दूसरे फ़ोन कौन से हैं, तो मोटो ने काफ़ी बढ़िया काम किया। और यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में, कैमरा के मामले में भी काफ़ी बढ़िया है। पीछे के कैमरा जिसमें आपको 50-50 दो कैमराज देखने मिलते थे, जिसकी क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है, एक नंबर है, और जो कि ना आपको काफ़ी सी विजिबिलिटी और शार्पनेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। किसी भी एंगल्स पे आप फोटो खींचे काफ़ी अच्छा लगेगा आपको देखने में भी। स्मूथनेस भी काफ़ी अच्छी फ़ोन की, 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले, जिसमें आपको काफ़ी बढ़िया वीडियो कंटेंट वगैरह देखने में मज़ा आएगा और सर्फिंग करने में मज़ा आएगा। यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, इसको भी मैं चेकआउट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए किस तरीके से फ़ोटो देखने में मिलती है। यहाँ पर आप जो हमने पोर्ट्रेट मोड में चेकआउट करी कितनी अच्छी फ़ोटो आई है, नॉर्मल फ़ोटो है जो कि काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में। और उसके साथ यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो इसके बेजल्स की क्वालिटी, और यहाँ पर ब्राइटनेस लेवल भी काफ़ी बढ़िया देखने में मिल रहा है आपको, कोई भी क्रीज वगैरह देखने के लिए नहीं मिलती। और जैसे कि आप वीडियो वगैरह देखते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि बताया गया 2400 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसके अंदर आपको दिख जाती है, जो कि धूप में चलाने में भी ना इसमें आपको ब्लैक शेड्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। पीछे की डिस्प्ले में भी आपको जो 4 इंच की डिस्प्ले, इसमें भी आपको 2400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, जो कि सुपर एमोलेड गेमिंग वगैरह सब आप इसमें खेल सकते हो बिना आप फ़ोन को अनफोल्ड करें, जो कि मुझे डेली में काफ़ी अच्छा फंक्शन लगा। और पूरी प्रॉपर डिस्प्ले है गाइस, आप इजीली इसको आराम से काम कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बैक साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी स्मूथ, काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन देखने मिलता है। ऊपर की तरफ आपको 4 इंच की डिस्प्ले देखने मिलती है, जो कि पूरे फ़ोन पे कवर है और काफ़ी अच्छी लगती है चलाने में। और यहाँ पर कैमराज वगैरह मैंने आपको सब चेकआउट करा दिए, तो एक और मैं चेकआउट कराता हूँ पोर्ट्रेट और नॉर्मल फ़ोटो किस तरीके से इसमें आपको देखने मिलती है, क्योंकि मेन हमारा फोकस आजकल कैमराज को लेकर है। फ़ोन के अंदर कैमरा अच्छा मिल जाता है तो हमारे को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें काफ़ी अच्छी फ़ोटो चाहिए होती है अपनी, तो उस तरीके से आप चेकआउट के लिए। तो बोके इफेक्ट, पोर्ट्रेट इफेक्ट काफ़ी बढ़िया बनाता है यहाँ पर, नॉर्मल फ़ोटो भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिल जाती है। उसके साथ ही डिस्प्ले, जैसे कि मैंने बताया काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले है, प्रोसेसिंग भी काफ़ी बढ़िया कर देता है फ़ोन, और कुछ तरीके से आप इसे फोल्ड भी करके रख सकते हो, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग अगर कोई है नहीं तो फोटो वगैरह भी खींच सकते हो, कोई भी वीडियो कंटेंट भी देख सकते हो। और गाइस इसी के साथ आप जो ना अपने 90-80 डिग्री पे भी इसको होल्ड करके रख सकते हो, देख सकते हो, और ज़्यादा ही रखोगे तो फिर ये स्ट्रेट हो जाता है। तो ये इस काफ़ी बढ़िया है वीडियो कंटेंट या फोटो वगैरह खींचने के लिए भी बहुत अच्छा काम में आ जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको चेकआउट करता हूँ, तो कुछ तरीके से मैं बता रहा था कि आप इसको इस तरीके से भी सेल्फी कैमरे के उसमें भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको कहीं प्लेस कर दिया और आपको पूरा देखना फोटो किस तरीके से क्या रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी इसको जो कैमरा ऑर्डर, कैम का ऑर्डर होते हैं ना, उस तरीके से बना सकते हो उसको। मुझे क्लियरली में काफ़ी बढ़िया लगा गाइस, डिस्प्ले वगैरह काफ़ी अच्छी है मोटो की। 95,000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा हमारे पास, तो आप हमारे स्टोर पे आ सकते हो। हमने आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया हमारे स्टोर का, और लोकेशन भी आपको मिल जाएगी, आप कॉल करके हमें बता सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप फोटो भी खींच सकते हो बैक साइड से, इसके मेन कैमरा से। अगर आपको सामने का कैमरा ज़्यादा पसंद नहीं आया तो बैक कैमरे में भी आपको काफ़ी बढ़िया फ़ोटो देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पर आप चेकआउट करेगा इस, यहाँ पर फोल्ड कर दिया मैंने फ़ोन को, फिर भी काफ़ी बढ़िया आपको लुक देखने मिल जाती है। काफ़ी छोटा सा हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप इसे खोलते हो ना तो 6.9 इंच का फ़ोन हो जाता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। वैसे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, कि काफ़ी पतला और काफ़ी ईजी टू यूज़ फ़ोन है, आप एक हाथ से इसको ईजिली होल्ड कर सकते हो और चला भी सकते हो, इसको अनफोल्ड भी कर लोगे। तो ये सारी डिटेल्स आपको इस फ़ोन के साथ देखने के लिए मिलती है। तो आपको कैसा लगा डिवाइस कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए मिलता हूँ गाइस ऐसे ही किसी नेक्स्ट में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।